भाइयों, आज हम दो मैसी के दो महान दिग्गज ट्रैक्टर जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले हैं, एक तो अभी नया आया है, कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, 244 मैसी 244 और 241 में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा ट्रैक्टर लें, कौन सा अच्छा है, क्या नहीं है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो भाइयों, हम आप लोगों को ट्रैक्टर दिखाते हैं बहुत ही अच्छा लुक के साथ। अगली सो इसमें कुछ इस टाइप से 7250 जैसी 244 में दिखेगी, और 241 में तो ये भी सो आती है और इस टाइप की भी आपको सो देखने को मिलेगी। हालांकि ये सो ज़्यादा चल रही है 241 में, मगर 244 में सिर्फ यही सो आपको मिलेगी। 241 में तो ऑप्शन में है बट इसमें नहीं है। पहले तो आप लोगों को हम ये ट्रैक्टर दिखा देते हैं 244। 244 में सिर्फ यही मॉडल आता है, बट इसमें खाली एक ही डिफरेंट रहता है, पावर स्टीयरिंग और सादा स्टीयरिंग का, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हालांकि 241 जो ये खड़ा है इसमें काफ़ी चेंजेस हैं, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंट हैं। तो भाइयों, अब स्टार्ट करते हैं कि 244 आपको तीन सिलेंडर में मिलेगा, वही 241 भी आपको तीन सिलेंडर में देखने को मिलेगा। 244 नाम है तो 44 HP में ही ये ट्रैक्टर आता है, 241 जो हमारा रहता है वो 42 HP में ट्रैक्टर यहाँ देखने को मिलेगा। वहीं अगर इस ट्रैक्टर के PTO HP की बात करें 244 के, तो इसका 37.8 PTO HP है, वहीं मैसी 241 का 35.7 HP आपको PTO HP देखने को मिलेगा। अगर गियर की बात की जाए तो इसमें भाइयों आपको 10+2 हमेशा गियर बॉक्स मिलेगा, मतलब एक रूटावेटर स्पेशल गियर आपको देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं ये 10+2 है, मतलब 5 हाई के 5 लो के और 2 बैक के आपको इसमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम ऐसी 241 की बात की जाए तो उसमें भी यही सेम है, 4 गियर का भी आता है और उसमें 5 गियर का भी आता है, ऑप्शन में ये दोनों आपको मिलेंगे देखने को। बात करें मैसी 244 के अगर ब्रेक की, तो मैसी 244 में भाइयों ऑयल ब्रेक आते हैं, इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल ब्रेक देखने को मिलेंगे। एक्सल सेम रहेगा, पिछला एक्सल 241 ही जैसा, कोई अलग से कोई डिफरेंट नहीं किया गया है, ये भी OYB है, ये भी OYB है, डायरेक्ट एक्सल रहेगा दोनों में। बट 241 में तो आप 2-3 टाइप के एक्सल आपको देखने को मिलेंगे, उसमें PD भी एक्सल आता है, मतलब प्लेनेटरी ड्राइव भी आता है, और दूसरा तो ये डायरेक्ट एक्सल है, मगर 244 में ये बस यही डायरेक्ट एक्सल ही आपको ट्रैक्टर मिलेगा। अगर हम 244 की लिफ्ट कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 1700 kg, मतलब 17 कुंटल या लिफ्ट से उठा लेगा, वहीं उसकी भी सेम ही रहती है, 17 कुंटल उसकी भी रहती है, 1700 kg दोनों की सेम आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर PTO की बात की जाए तो इसमें भाइयों आपको 244 में, मैसी के 244 में 4 PTO आते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं, पहला तो GS PTO, दूसरा MS PTO और तीसरा LPTO और Live PTO, तो सब में होता ही है। GS PTO का मतलब ग्राउंड स्पीड PTO, जैसे जैसे टायर चलेगा वैसे वैसे इसका PTO वर्क करेगा। MS PTO मतलब इसमें 95 राउंड से लेके 1000 राउंड आप इसमें ले सकते हैं। LPTO मतलब Live PTO, तीसरा Reverse PTO रहता है, जिस PTO किस टाइप से वर्क करेगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसी हिसाब से इसमें आप राउंड ले सकते हैं। तो वहीं मैसी का 241 में आप देख सकते हैं, इसमें तो ये 4 गियर वाला है बट इसमें भी 5 गियर वाला आता है Quadra PTO, तो इसमें ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात इसके अगले एक्सल की करें 241 के, तो 241 में अगला एक्सल आपको मुड़ा हुआ है मिलेगा, मतलब 4 गियर वाला आपको मुड़ा हुआ एक्सल मिलेगा और 5 गियर वाला सेम इस टाइप से मिलेगा। मगर 244 के एक्सल की बात करें तो 244 में भाइयों कोई एक्सल में सीधा ही एक्सल आपको मिलेगा, कोई बंड टाइप का एक्सल देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर बम्पर की बात की जाए तो 75 किलोग्राम का दोनों में बम्पर आपको कंपनी फिटेड यह देते हैं, ये 75 किलोग्राम का बम्पर आगे मिलेगा आपको। भाइयों यह ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग भी, 244 पावर स्टीयरिंग और सादा स्टीयरिंग आप ऑप्शन में ले सकते हैं। बात करें इसके स्टीयरिंग ऑयल की, तो इसमें स्टीयरिंग ऑयल आपको अलग से ही इसका बॉक्स रखा हुआ मिलेगा विद कूलेंट के साथ।
बात अगर टायर की जाए तो इसका अगला टायर 616, वही इसका पिछला टायर 13628, साथ में 35-35 किलोग्राम के वेट के साथ में आपको मिलेगा। वही सेम 241 में जो 35 किलोग्राम के वेट हैं, बस पूरा फर्क वही पूरी कॉपी है, बट HP में 2 हॉर्स पावर में ज़्यादा है। अगर 244 के टोटल वेट की बात की जाए तो 19.5 क्विंटल मतलब 1950 किलोग्राम इसका टोटल वेट आपको देखने को मिलेगा। वहीं 1875 किलोग्राम उसका वेट 241 को टॉप मॉडल का देखने को हम मिलेगा, मतलब ये 244 वेट में भी हॉर्स पावर और वेट में दोनों में ये ज़्यादा है। बात करें इसके इंजन की तो भाइयों इसमें महसी का सिप्सन इंजन आप देख सकते हैं, यस T3A यस 325.1, मतलब ये अपग्रेडेड इंजन है मैसी सिप्सन इंजन मैसी 244 में। वहीं हम मैसी के 241 में अगर इंजन की बात करें तो इसमें भी देख सकते हैं सेम इंजन यस 325.1, कोई इंजन में फ़र्क नहीं है, इंजन वही है। वहीं अगर टोटल लेंथ की बात की जाए मतलब पूरी लंबाई की 244 की तो 3446 mm इसकी टोटल लंबाई आपको देखने को मिलेगी। वहीं मैसी 241 की 3340, मतलब ये लंबाई 241 की कम है, 244 की ज़्यादा है। तो ये हॉलेज के पर्पज़ से मतलब ट्रॉली के पर्पज़ से आगे से उठेगा नहीं, सबसे अच्छा ये किफ़ायती इसमें एक और ऑप्शन में ले सकते हैं आप। अगर टोटल चौड़ाई की बात की जाए तो 1640 mm इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी, वहीं 241 की 1690 mm आपको मिलेगी, 241 थोड़ा हल्का सा चौड़ाई में ज़्यादा है। वहीं अगर 244 में आपको प्लेटफॉर्म दिखाएं तो इस टाइप का आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, मतलब सेम 241 के जैसा प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा, एडजस्टेबल आपकी सीट मिलेगी, सीट को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, साइड में वही सेम हैंड ब्रेक के साथ आपको देखने को मिलेगा। और जो इसमें पावदान रहेंगे वो पुश टाइप वाले रहेंगे, जो अभी नए 241 में पुश टाइप के आने लगे हैं, अब इसमें भी लेटेस्ट में पुश टाइप के पावदान आने लगे हैं। वहीं अगर इसके स्टेरिंग की बात की जाए तो इस तरीके से आपको स्टेरिंग देख सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं है, 241 वाली सेम स्टेरिंग है, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम 241 का ही मिलेगा देखने को। अब भाइयों स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं 1906 मतलब 540 ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1906 इंजन RPM पे आपको 540 PTO देगा, जो 540 मिलेगा 244 में वो 1906 इंजन RPM पे आपको 540 ये 244 देगा। वही हम अगर मैसी 241 में देखें वही सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, बट इसमें आप देख सकते हैं कि ये 1500 इंजन RPM पर या 540 देगा, मतलब इसके राउंड आपको कम मिलेंगे, और राउंड कम होंगे तो ऑफिशियली डीजल थोड़ा ये कम ही खाएगा, तो ये थोड़ा ऑप्शन में 241 में अच्छी बात है, ये 1500 पर देगा, ये 1900 इंजन RPM पर 1906 इंजन RPM पर आपको 540 देगा। अगर टर्निंग रेडियस की बात करें मतलब सबसे कम दूरी में मुड़ने की, तो इस टाइप वाला एक्सल सबसे कम दूरी में मिलेगा, और यह आपको दोनों में मतलब इसका थोड़ा टर्निंग रेडियस ज़्यादा ही रहेगा। अगर हम दोनों ट्रैक्टर के व्हील बेस मतलब जमीन से ट्रैक्टर की ऊंचाई की बात करें तो 345 इसमें भी आती है 244 में भी, और 345 mm उस ट्रैक्टर में भी आपको दोनों का सेम मिलेगा। बात करें इसमें अगर गियर की तो इसमें भाइयों स्लाइड मेस गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, वहीं 241 में स्लाइड मेस एंड पार्शियल कांस्टेंट मेस दोनों आपको गियर बॉक्स ऑप्शन में आपको मिलेंगे। इसमें तो स्लाइड है बट इसमें पार्शियल भी इसमें आता है, तो इसमें दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे 241 की बात कर रहे हैं, और इसमें खाली स्लाइड में से ही गियर बॉक्स आपको मिलेगा। दोनों के अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो 244 में 55 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, वहीं 241 में 47 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ अभी जो नए लेटेस्ट मॉडल आए हैं 5 गियर में उसमें आपको 50 से 55 मिलेगा देखने, बट मगर इसमें 244 में आपको 55 लीटर का ही देखने को मिलेगा। बाकी किसी जानकारी के लिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।